हिंदू धर्म में ग्रहण लगने को अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान कई कार्यों को करने की मनाही होती है। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ग्रहण लगने से पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और इस समय पूजा पाठ के लिए अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। भले ही ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करने की मनाही हो, लेकिन भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जो सूतक काल के समय भी खुला रहता है। यह मंदिर सूतक काल में न सिर्फ खुला रहता है, बल्कि इस मंदिर का महत्व इस समय और बढ़ जाता है। यह मंदिर विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पिंड स्थल है और बिहार के गया में स्थित है। इस मंदिर के सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भी कपाट खुले रहते हैं। विष्णुपद मंदिर का ग्रहण के समय इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। यहाँ पर ग्रहण के समय पिंडदान करना शुभ माना जाता है। विष्णुपद मंदिर के कपाट सूतक काल में बंद नहीं किया जाता, बल्कि इस दौरान सनातन धर्म को मानने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में विशेष रूप से अपने पितरों के लिए पिंडदान कर विष्णु चरण पर अर्पित करते हैं। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार। गया तीर्थ क्षेत्र जो है अत्यंत परम पावन तीर्थ क्षेत्र है, पितृ तीर्थ इसे कहा जाता है। यहाँ पर वर्ष पूर्ति पिंड प्रदान होते रहते हैं, शास्त्रों में नियम बतलाता है। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षण है, ग्रहण काल रहे, संक्रमण काल रहे, किसी भी तरीके का ऐसा काल रहे, यहाँ पिंड प्रदान होते रहता है। यहाँ दिन में भी श्राद्ध होता है, रात्रि में भी श्राद्ध होता है। मनुष्य भी पिंड प्रदान में जो है पुरुष भी करते हैं, महिलाओं भी यहाँ पिंड प्रदान करने का नियम है। ऐसे पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में जो कि विष्णुपद वो तीर्थ वेदी है, पिंड प्रदान का स्थल है, इसलिए यहाँ सूतक काल, चाहे चंद्र ग्रहण के सूतक काल रहे या सूर्य ग्रहण के सूतक काल रहे, जिसको वेदारंभ कहते हैं, उस समय वो 10 घंटे 12 घंटे की जो अवधि होती है जो सूतक काल की, उस समय भी यहाँ पिंड प्रदान करने से पितरों को अत्यंत तृप्त हो करके वैकुंठ लोक चल जाते हैं पितरों। सिर्फ ग्रहण की जो अवधि होती है काल, जो प्रधान जिस समय राहु ग्रसित रहे, सूर्य रहे या चंद्र ग्रहण रहे या खंडक ग्रास रहे, वो ग्रहण की अवधि में सिर्फ पटबंद होते हैं। उसके अलावे सूतक काल में यहाँ पटबंद नहीं होते हैं, क्योंकि पिंड प्रदान के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम समय होता है ग्रहण कालों में। गया तीर्थ में आप आकर के अगर तर्पण पितृ श्राद्ध कर्म कर रहे हो तो पितृ लोग तुरंत तृप्त होकर के अक्षय आशीर्वाद दे करके अपने अपने लोग को चल जाते हैं। गया विष्णुपद का ये विशेष वर्णन शास्त्रों में बतलाया गया।